Let's see question number 2. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to productive number. आपको करना क्या है, आपको गिवन होगा नंबर और उन दोनों नंबर का आपको LCM और HCF निकालना है और उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है, राइट. सो फर्स्ट लेट्स सी दैट व्हाट विल बी द LCM, राइट. सो हाउ टू डू इट, कैसे करेंगे. जो भी नंबर आपको गिवन होगा उस नंबर के आपको क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं, राइट. 5, 10 के फैक्टर्स बनाते हैं. लेट्स डिवाइड इट बाय 2 से डिवाइड करेंगे, 3 × 17 × 5, राइट. आप कर भी सकते हैं, 10 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 5 आएगा. 51 के फैक्टर क्या है, 3 × 17, राइट. नाउ सेम एज वी कैन फाइंड आउट ऑफ 92 के फैक्टर बना देंगे तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देते हैं, देन मल्टीप्लाई दिस 2 एंड देन दिस 23, ठीक है. हमने फैक्टर बना लिए इसके. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF, और क्या फाइंड आउट करना है, LCM, राइट. तो कैसे फाइंड आउट करते हैं HCF LCM, ध्यान से समझ लीजिए इसको. जो भी नंबर होगा उसका कॉमन देखना है, उन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है. तो आप देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, दोनों में 2 दिखाई दे रहा है, तो व्हाट विल बी द HCF, HCF क्या होगा, 2. सेम हेयर, ऐसे ही हम एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम में हम सारे फैक्टर लिखेंगे. देखो एचसीएफ में आपने क्या किया, कॉमन वैल्यू ली, एलसीएम में हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर लिखेंगे जो जो हमारे पास दिखाई दे रहे हैं. 2 दिखाई दे रहा है, देन हमारे पास 3 दिखाई दे रहा है, 17 है, इंटू 5 इंटू 23, हमारे पास जो भी वैल्यूज थी वो हमने लिख दी, ठीक है. और उनकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर आप देख रहे हो सबकी पावर 1 ही है, तो उसको एज इट इज रख देते हैं, ठीक है. हाँ, यहाँ पर अगर आप चेक करें तो 2 की पावर कितना है, 2, तो ये यहाँ पर हम दे देते हैं 2 to the power 2, ठीक है. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई इट, इट्स हेयर 2 to the 4, 4 × 3 × 17 × 5 × 23, राइट. सो दिस इज हेयर 12, 5 जा कितना आएगा, 60 × 17 × 23, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास एलसीएम आएगा 2, 3, 4, 6, 0, राइट. दिस विल बी द एचसीएफ, एलसीएम, राइट. नाउ हियर लेट्स वेरीफाई इट. अब हम क्या करते हैं, वेरीफिकेशन करते हैं कि जो हमने निकाला क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई, 510 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 92 से, और ये मल्टीप्लाई करने पर हमारी वैल्यू बनेगी, इट्स अप्रॉक्सीमेट, आई थिंक इट्स 4646920, ठीक है. और सेम हेयर, अगर आप 2 HCF को LCM से मल्टीप्लाई करें 2, 3, 4, 6, 0 से, दैट विल बी ऑल्सो सेम. आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये आएगा 4, 6, 9, 2, 0, ठीक है. ये हमारे पास देखा हमने कि दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, सेम आ रही है, सो द नंबर इज राइट, ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, हियर वी हैव फाइंड द LCM ऑफ दिस एंड दिस. सो फर्स्ट द स्टेप इज टू फाइंड फैक्टर्स, फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है. तो 336 के अगर फैक्टर बनाएंगे आप, तो आपके पास आएगा 2, 2 to the power 4 × 7 × 3. आप डिवाइड कर सकते हैं, सिंपली आप 336 के फैक्टर निकालेंगे, राइट. सेम हियर वी कैन फाइंड आउट 54 ऑल्सो, ये तो आपको पता ही होगा, 2 × कितना होगा, 3 × 3 × 3, ठीक है. तो ये आ जाएगा 2 × 3 to the power कितना बनेगा यहाँ पर, 3. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द HCF, कॉमन देखो भाई, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन की लोएस्ट पावर, कॉमन क्या है, 2 की लोएस्ट पावर 1, 3 की लोएस्ट पावर क्या है, 3. तो यहाँ पर 3 × 2 कितना आ गया हमारे पास, 6. सेम हेयर वी कैन फाइंड आउट दिस LCM, LCM को फाइंड आउट करने के लिए हाईएस्ट और सारे मल्टीपल लेने हैं, 2 to the power 4, देन 7 × 3 3 to the power, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की, 3, ठीक है. तो यहाँ पर जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट हेयर 3024, राइट. नाउ हेयर LCM को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, HCF से, तो इट इज हेयर 6 × 3024, ठीक है. आप मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करके हमारे पास नंबर आएगा 18144, राइट, 18144, राइट. मल्टीप्लाई करो और अच्छे से आपको इसको पता चल जाएगा, ठीक है. नाउ
मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑल्सो, 336 को मल्टीप्लाई करते हैं 54 से, सो दैट इज ऑल्सो सेम 18144. ठीक है, तो आपने कहा कि मैम क्या ये वेरीफाई हो रहे हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? कभी भी ऐसा नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लेके चलते हैं राइट हैंड साइड के, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फिर राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट लेफ्ट अलग ले लो फिर राइट अलग ले लो उनको, फिर इक्वल दिखाओगे. हाँ, हमने जो प्रूव किया वो क्या है, बिल्कुल सेम है. राइट, नाउ नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Here, find the LCM and HCF. अब देखो अभी हमने जो निकाला बिल्कुल सेम एज इट इज निकालना है, लेकिन इसके अंदर वेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन दैट इज ओनली एप्लीकेबल किसके ऊपर एप्लीकेबल है, when we have two numbers only. जब आपके पास दो नंबर होंगे. ठीक है, नाउ लेट्स डू इट. 12 इंटू 15 इंटू कितना है, सॉरी 12, 15 और 21. सो हेयर मेक द फैक्टर्स 2 इंटू 2 एंड 3, 3, 5, 3, 7. राइट, नाउ व्हाट विल बी द HCF? कॉमन देखो मैम फटाफट से, कॉमन देखो, कॉमन देखो, इन सब में कॉमन क्या है, 3. HCF कितना आ गया, 3. LCM, LCM कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, सारे फैक्टर लिख देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कितना आ गया, 7. राइट, नाउ 2 हाईएस्ट पावर, 2 है. 3 हाईएस्ट पावर क्या है, सबकी 1. 5, 7. राइट, इट्स 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, इट विल कम 420. आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 420. सो द वैल्यू ऑफ दिस एलसीएम दैट इज 420. राइट, सेम हियर यू कैन फाइंड दिस वन. 17, 23, 29. फैक्टर बनाओ भाई, फटाफट से बना देते हैं. 17 इंटू 1, 23, 23 इंटू 1, 29, 29 इंटू 1. हम इतनी बार इसको करवा चुके हैं कि हमारे को आंसर याद हो गए अब तो, है ना. तो HCF, HCF कॉमन क्या है इनमें, 1. LCM, what will be the LCM here? 11339. ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके देख रही ना, सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि सारे फैक्टर लिखने होते हैं, प्राइम फैक्टर लिखने होते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, सेम हियर फॉर दिस 8, 9 एंड 25. 8, 9 और 25 फैक्टर बनाओ. 2 टू डी पावर, 2 टू जो 4, 4 टू जो 8 ना, यहाँ यहाँ पर 3 स्क्वायर, यहाँ पर 5 स्क्वायर, कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ नहीं. तो HCF कितना होगा, अपन LCM मैम सारे फैक्टर लिख दो, 2, 3, 5, हाईएस्ट पावर लिख दो, 3, 2, 2. यहाँ से आएगा 8, ये आएगा 9 और ये आ जाएगा 5 एज 25. मल्टीप्लाई करो और ये आ जाएगा आपका आंसर 1800. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन. राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट, सो हियर गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर इक्वल टू 9, है ना, और LCM हमें फाइंड करना है. नंबर गिवन है, ये दो नंबर है, उनका HCF निकाला तो कितना आ गया, 9 आ गया. आपको फाइंड आउट करना है LCM. सो हाउ टू डू इट, ध्यान से समझ लीजिए. हमने कहा HCF into LCM, हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. राइट, HCF को LCM से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर. सो HCF है 9, LCM नहीं पता, आप LCM लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रोडक्ट ऑफ नंबर, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, 306 इंटू 657. राइट, x फाइंड आउट कर लेते हैं, 306 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 657 से, और डिवाइड करते हैं किससे, 9 से. ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो आपको करना आता ही है, 9 थ्री जा 27. राइट, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 3, और ये आ जाएगा हमारा 4. ठीक है, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई इट. मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज 22338. इट्स 22338. राइट, ओके, तो आप किसी भी अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन अधिकतर ऐसा आता है, इनमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है और आपको क्या करना होता है, इस वैल्यू को निकालना होता है. ठीक है, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. चेक वेदर 6 टू द पावर एन कैन एड विद द डिजिट 0. देखो आपको दे रखा है 6 की पावर एन, तो 6 की पावर एन को क्या, अगर एन की अलग अलग वैल्यूज पुट करी जाए तो क्या ये कभी 0 से एंड होगा? आप सोचो, आपको कहा मैंने वो पहला नंबर लिखो जो 0 से एंड होता है 10, फिर दूसरा नंबर जो 0 से एंड होता है 20, फिर और नंबर लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ. ठीक है, लेट्स टेक दिस ऑल, है ना, ये लिख देते हैं. अब अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 5, इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5,
राइट, इसके फैक्टर बनेंगे 2 square into 5 square, इसके फैक्टर बनेंगे 2 cube into 5 cube, राइट बेटा, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ है जो आपको दिखाई दिया, क्या चीज़ है कि कोई भी नंबर जो जीरो से एंड होता है उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 ज़रूर मिलेंगे, उसके प्राइम फैक्टर और भी हो सकते हैं, बट मैंने कहा उसके अंदर 2 और 5 फैक्टर जरूर दिखाई देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 to the power n की, 6 to the power n हैव प्राइम फैक्टर, क्या है प्राइम फैक्टर इसके, 2 and 3, है ना, 2 and 3, राइट। बट द नंबर which ends with the digit 0, which ends with digit 0 must have prime factor, उसके prime factor क्या होने चाहिए, ये तो हमें जो given है वो है ना, लेकिन होने क्या चाहिए थे, 2 and 5. Now what we will write, आप क्या सीधा answer लिख दें, नहीं, एक स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बेटा इसको जरूर लिख के आ जाना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, ये कि यूनिक फैक्टर इसके हैं 2 और 5, इसके हैं 2 और 3, इसके पास ये जो 6 के पावर n है इसके पास 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, राइट, इट डज नॉट हैव प्राइम फैक्टर क्या नहीं है इसके पास, 5 नहीं है, इम्प्लाइज इट नेवर एंड विद द डिजिट 0, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, राइट। अब आपने मैम ये क्यों लिखवाया, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। अभी देखो, जैसे मान लो मैंने कहा 4 to the power n, ठीक है, तो 4 to the power n के फैक्टर क्या बनेंगे, 2, बट वो नंबर जो 0 से एंड होता है उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5, राइट, इट डज नॉट हैव 5, इसके पास 5 नहीं है, और किस लिए, कैसे श्योर हूं मैं, क्योंकि मैंने कहा यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, उसने कहा था, क्या कहा था, कि इसके फैक्टर जो भी आप उसको प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो वही फैक्टर होंगे, उसके अलावा उसको किसी भी दूसरे फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दैट्स व्हाई वी से दैट इट नेवर एंड विद द डिजिट 0, राइट। नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 आर कंपोजिट नंबर। देखो बहुत ईजी सा एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कंसेप्ट अगर आप समझो तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, ये नंबर है तो या तो आप इसको सॉल्व करो, बट वाई टू सॉल्व इट, क्यों करेंगे हम सॉल्व, हमें कंपोजिट दिखाना है, कंपोजिट का मतलब ये है कि ये 1 और उस नंबर के अलावा, देखो इसको जब सॉल्व करोगे कोई नंबर आएगा तो हम ये प्रूव कर देते हैं ये 1 या उस ये जो नंबर आएगा उसके अलावा किसी और नंबर से क्या हो, डिवाइड हो जाए या उसके मल्टीप्लाई में हो, है ना, तो हम कहेंगे कि वो कंपोजिट होगा। सो दिस इज फर्स्ट टर्म, ये 1 फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है 13, 13 कॉमन लेते ही हमारे पास आएगा 7 × 11 + 1, है ना, तो ये पूरा नंबर यहाँ लिख देते हैं, इट इज डिविजिबल, डिविजिबल किससे डिविजिबल है, 13 से, इट इज डिविजिबल बाय 13, इम्प्लाइज इट इज ए कंपोजिट नंबर, ये क्या बन गया हमारा, कंपोजिट नंबर, ठीक है, हमने कहा ये नंबर 13 से डिविजिबल है, अदर देन द नंबर इटसेल्फ, वो जो नंबर होना चाहिए था उसके अलावा ये 13 से डिविजिबल, नंबर से तो है ही बट 13 से भी डिविजिबल है, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। एंड दिस पार्ट इट्स वेरी इजी, इट्स 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, राइट, एंड प्लस 5। अब देखो दो टर्म्स कौन सी है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में आप चेक करो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 5, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, क्यों मैम, ये जो 5 था ये तो आपने कॉमन ले लिया ना बेटा, अगर ये कॉमन ले लिया तो 5 से अगर 1 कॉमन लोगे तो 5 1 ही तो बचेगा, ये तो 5 था ना, अब यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 बचा, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, नंबर कुछ भी आएगा
लेकिन हम कह रहे हैं उस नंबर के अलावा ये फाइव से डिविजिबल है, इम्प्लाइज इट इज ए कंपोजिट नंबर, राइट? एंड सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू रिवाइज इट अकॉर्डिंग टू योर वे. नाउ दिस इज व्हाट आई टोल्ड, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, हमारे को एक स्पोर्ट फील्ड दिया हुआ है, ठीक है. नाउ हियर क्या सोनिया टेक 18 मिनट, सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है इस पूरे को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेती है, 18 मिनट. रवि जो है वो लेता है 12 मिनट, ठीक है. सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, उन दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया है ना. अब जब ये पूरा चक्कर लगा रहे हैं तो हो सकता है ना एक की स्पीड कम एक की ज़्यादा, तभी तो ऐसा हुआ होगा. जब उन्होंने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम पर स्टार्ट किया, तो ऑब्वियस है ना, गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन. अब सोचो ये यहाँ पर है, एक की स्पीड ज़्यादा एक की कम, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि इस 18 और 12 मिनट से पहले वो बच्चे पहुँच जाए, एक साथ मिल जाए. इट्स पॉसिबल ओनली कि इस जो ये टाइम है इसके बाद, इसके बाद आपको वो इकट्ठे दिखाई दे. इसके बाद का मतलब क्या है, इससे ज़्यादा वैल्यू, इससे ज़्यादा वैल्यू का मतलब क्या है, LCM. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी आपके माइंड में ये आए कि इससे ज़्यादा वैल्यू चाहिए, वी ओनली गो विद द LCM. सो लेट्स फाइंड आउट द LCM ऑफ दिस 18 और हमें दे रखा है 12. तो 18 का आएगा 2 into 3 square, राइट, और इसका आएगा 2 square into 3, ठीक है. आपको फाइंड आउट करना है LCM, राइट द फैक्टर्स 2 into 3. हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, इसकी हाईएस्ट पावर है 2. 3 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9. 9 4 कितना आ गया, 36. तो कितने मिनट के बाद ऐसा होगा, ये दोनों के दोनों मिलेंगे 36. अभी क्वेश्चन अगर ऐसे ही आ जाए कि कितने राउंड्स होंगे, तो आप बताओ कितने राउंड होंगे. सोनिया 18 और फिर एक और बार घूमेगी तो 18, कितने हो गए, 36 मिनट, मतलब दो राउंड है ना, ठीक है. ये भी तो आ सकता है, रवि एक राउंड 12 मिनट का, फिर दूसरा राउंड 12 मिनट का, फिर एक और राउंड 12 मिनट का, कितने राउंड हो गए, 3 राउंड. और 3 राउंड करते ही 36 मिनट पर वो क्या होगा, सेम पोजीशन पे होगा, ठीक है. सो सोनिया टेक 2 राउंड्स एंड अभी टेक 3 राउंड्स. दीज सेवन क्वेश्चंस यू रिवाइज एंड देन सॉल्व इट, राइट. थैंक यू.